हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के सीरियल धर्म पत्नी के बारे में, जिसमें फरमान खान मेन लीड प्ले करते हैं। जब ये शो स्टार्ट नहीं हुआ था तो फरमान खान का नाम सुनकर फैंस काफ़ी ज़्यादा उनके जो हैं एक्साइटेड थे इस सीरियल को देखने के लिए, और कलर्स टीवी भी हाई होप्स रख रहा था कि ये सीरियल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सीरियल ने बुरा परफॉर्म तो नहीं करा, सीरियल ने डिसेंट परफॉर्म करा है चैनल के लिए। लेकिन अब इसके जो फैंस हैं उनके पास है मेरे पास एक बैड न्यूज़, और वो बैड न्यूज़ ये है कि गाइज कलर्स टीवी के कई सीरियल जैसा कि आप जानते हैं ऑफ एयर जाने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स में, जैसा कि आपको बताया था। और अब करेंटली प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी सीरियल भी ऑफ एयर के डेंजर में आ चुका है। तो गाइज ये सीरियल है करेंटली अंडर स्कैनर, और आने वाले हफ्तों में अगर इसके टीआरपी में इंक्रीज देखने को नहीं मिलता तो ये सीरियल भी फिर ऑफ एयर जाएगा आईपीएल के बाद। तो अभी के लिए कुछ टाइम है ये सीरियल को इम्प्रूव करने का, और अगर इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है एक काफ़ी अच्छा चांस है कि सीरियल बच सकता है, अगर हमें अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है इसके टीआरपी में। करेंटली शूटिंग वगैरह चल रही है, ऑफर का नोटिस नहीं भेजा गया है, लास्ट एपिसोड वगैरह को शूट नहीं करा जा रहा है, बिकॉज अभी के लिए सीरियल अंडर स्कैनर है, यानी कि ऑफर के डेंजर में है। कलर्स टीवी इसके आने वाले हफ्तों के टीआरपी को मॉनिटर करने वाला है, चेक करने वाला है, और अगर टीआरपी में हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, जैसी अब है वैसी देखने को मिलती है, हालांकि वो कलर्स टीवी के लिए डिसेंट है, बट कलर्स टीवी फिर उसको ऑफर कर देगा अगर टीआरपी में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती। आने वाले हफ्तों में अगर आप इस सीरियल को बचाना चाहते हैं कलर्स टीवी पर ओरिजिनल टाइम स्लॉट पे, टीवी पर इसको देखिए और ऑनलाइन वगैरह मत देखिए अगर आप इस सीरियल को बिल्कुल भी बचाना चाहते हैं। कलर्स के कई सीरियल्स अब ऑफर जाएंगे, कुछ जा भी रहे हैं, और ये चलता ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईपीएल के बाद सीरियल्स का जो लाइनअप होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है कलर्स टीवी के लिए। तो कंटेंट के लाइनअप की बात करें तो कलर्स टीवी पूरा रिवैम्प हो जाएगा आईपीएल के बाद वाले टाइम के अराउंड, एकदम से नहीं लेकिन आईपीएल के बाद वाले दिनों में आपको कंटेंट के लाइनअप में चेंजेस मेजर देखने को मिलेंगे। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, और कल ही वीडियो बनाकर ये भी बताया था कि तेरे इश्क में घायल भी बंद होने जा रहा है आईपीएल के बाद। और भी सीरियल्स के अपडेट्स वगैरह मैं आपको देता ही रहता हूँ। करंटली ससुराल सिमर का, दुर्गा चारू ऑफर चले गए हैं, अग्नि साक्षी जो सीरियल है वो भी ऑफर के खतरे में है, जैसे धर्मपत्नी है। और आने वाले महीनों के लिए कलर्स टीवी ने बहुत नए सीरियल्स प्लान कर रखे हैं। तो गाइज यही सब के चलते हुए धर्मपत्नी पे आपका क्या ओपिनियन है, सीरियल बंद होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए कलर्स धर्मपत्नी के फैंस के साथ, और कलर्स टीवी धर्मपत्नी की सारी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।